हाय, माई सेल्फ दीप, आपका नरेटर। आज हमने आपके लिए लाए हैं द शर्लॉक होम्स की कहानी द रेड हेडेड लीग। ये शायद से आपने 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाए होंगे। आज हमने उसको थोड़ा और डेवलप्ड और ड्रामेटिक वे में इधर शो अप किए हैं। आप सुन सकते हो सर ऑथर कॉनन डॉयल, जो एक ब्रिटिश राइटर थे। एक्चुअल में ये अपने डॉक्टर थे। इन्होंने शर्लॉक होम्स को 1887 में बनाए थे अ स्टडी इन स्कारलेट के नाम से, जो उनके नॉवेल्स में सबसे पहला था। यही नॉवेल में इन्होंने 4 सुइसाइड केसेस को कैसे एक मर्डर में कन्वर्ट करके सबके सामने लाया था और मर्डरर को जिंदा छोड़ नहीं पाए। लेकिन फिर भी पहले स्टोरी के ट्रेजिक के बाद भी शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन बन गए सबके फेवरेट डिटेक्टिव। आजकल कोई भी डिटेक्टिव का नाम लोग तो सबसे पहले याद आएगा एक टोपी, एक बहुत ही बेंट किया हुआ स्मोकिंग पाइप और सबका चाहिदा शर्लॉक होम्स उनके दोस्त के साथ डॉक्टर वॉटसन। तो तब तक आप सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए द रेड हेडेड लीग बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल फ्रॉम द शर्लॉक होम्स सीरीज। काफी दिन हो गए थे शर्लॉक से नहीं मिला। यही तो पिछले साल की बात थी जब मैंने उससे मिलने गया और अंदर घुस के ही देखा कि मेरा दोस्त थोड़ा बिजी है। वो किसी आदमी से बात कर रहा है, लेकिन उसमें एक खूबी थी। आजकल इंग्लैंड में लाल बालों वाले इंसान दिखने बहुत ही कम ही मिलते हैं। मैं अंदर घुस गया था, उसीलिए उनसे कहा, अपोलोजी माय फ्रेंड, शायद से मैं गलत वक्त में आ गया, लेकिन मैं अभी जाता हूँ। चलो आप बात कर लो, मैं बाद में मिल लूँगा। होम्स जल्दी से ही उठकर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? इससे अच्छा वक्त तुम्हें मिल ही कहाँ सकता था वैटसन। चलो जल्दी आ जाओ। लेकिन तुम तो बिजी हो ना। नहीं, हम सब बिजी है, और तुम्हारी चिंता का कारण शायद से ये सुलझा दे। चलो मिलते हैं तुमसे। सो मिस्टर विल्सन, मीट डॉक्टर जॉन वॉटसन, मेरे सबसे अच्छे पार्टनर है और बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस में इन्होंने मेरे साथ दिए हैं। कोई डाउट नहीं है इनके ऊपर, आप देख ही सकते हैं उनको। वो मेरे तरफ उठकर एक ग्रीटिंग दिया, फिर एक छोटी सी झलक में मुझे पूरा ऊपर से नीचे देख ही लिया। मुझे थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था, फिर भी होम्स ने कहा, सो ट्राई द सीट, और खुद के आर्म चेयर में बैठकर अपने उंगलियों को अपने ठोंठ के बाजू में ला के कहा, आई नो माई डियर वॉटसन, तुम मेरे इस बहुत ही रोमांच भरे बहुत सारे केसेस में मेरे साथ दिए होंगे, लेकिन मैं तुमको ये बात बता दूं कि ये वाला केस बहुत ही अलग जा रहा है। मिस्टर विल्सन, आप चेंज मत करना टॉपिक, चालू रखिए। ओ सॉरी, बाय द वे, ये तो अभी आए हैं, तो आप शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हो? हाँ, तो आप कर दीजिए स्टार्ट। चलो। मुझे क्यों नहीं लग रहा था होम्स जैसे थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, उसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये अक्सर देखा जाता है होम्स के अंदर जब वो थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो जाए। ठीक है सर, मेरे बातों को फिजूल मत मानना। ये कह के वो आदमी चुप बैठा। मैं चौंक गया था, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे तब अचानक ही वो बोल उठा। मैं फिर भी कहा, आप रुकिए मत, आप कहते रहिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं पागल नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मुझे बहुत शक था, इसीलिए मैंने आपके पास आ गया। तो हुआ कुछ ऐसा था। लेकिन मिस्टर विल्सन, अगर आप एक मिनट के लिए और थोड़ा मेरी बात सुन ले। जैसे ही आपका टॉप हैट आपके बाजू में रखा हुआ है, देख के लग रहा है कि बहुत दिनों से इसे यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाद ही आपकी शक्ल को देखकर लग रहा है कि आप काफ़ी दिनों से सोए नहीं हो और काफ़ी लिख रहे हो, क्योंकि आपके उंगलियों के थंब में थोड़ा सा इंक लगा पड़ा है। आप मुझे बता सकते हो ये किस लिए? अच्छा, वो सब तो रहने दीजिए। आप वो एडवर्टाइजमेंट दिखाए?
ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मतलब आप मिस्टर सॉरी बाय द वे इट डजंट मैटर, आप दिखा सकते हो उनको डॉक्टर वॉटसन। ओके यस यू कैन प्रोसीड नाउ। वो उस पेपर को मेरे और दे दिया। मैंने पेपर को लेकर देखा कि उसमें एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। लिखा था उसमें टू द रेड हेडेड लीग लेबनान पेंसिल्वेनिया यूएसए लेट सर एज़ाकानिया हॉपकिंस के डेथ के वजह से हमारे अंदर एक आदमी कम गिर रहा है, इसीलिए लिखा जा रहा है कि द रेड हेडेड लीग को हमारे ऑफिस तक आए जो हफ्ते में 4 पाउंड के लिए साधारण कोई भी काम कर ले। अगर वो इससे सहमत है तो वो जल्द ही आकर हमारे ऑफिस में मिले, स्पेशली जो लोग मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है और 21 इयर्स अबव है, वही आकर मंडे आकर हमसे मिले इस ठिकाने में डंकन रॉस के साथ 7th पोस्टकोड्स फ्रीट स्ट्रीट्स। लेकिन शर्लॉक ये क्या है? एग्जैक्टली वॉटसन, यही तो मेरा भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इनसे वापस मिलने के लिए बुलाया आपको। चलो सो मिस्टर विल्सन, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस वंस अगेन, और प्लीज कुछ भी छुपाना मत, जैसे आपके घर में कौन कौन रहते हैं और आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर इतना क्यों घबरा गए थे, ये कंप्लीट डिटेल मुझको चाहिए, वरना ये केस हम आगे नहीं ले जा सकते। और वॉटसन तुम भी एक पेपर के अंदर सब लिख लो कि ये न्यूज़पेपर कितना दिन पुराना है, और इसके अंदर कोई अगर छोटा सा भी क्लू मिल गए तो तुम्हें मालूम है मेरा मित्र क्या है वॉटसन। ओके सो और आप भी छुपाना मत कोई भी डरावनी चीज़ जो आपको याद आए आपके मेमोरी से, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको इतनी डर लग रही है सिर्फ एक मामूली एडवर्टाइजमेंट से। केस काफ़ी गहरा लग रहा है। ये है तुम्हारा मॉर्निंग क्रॉनिकल 27 अप्रैल 1890, मतलब सिर्फ 2 महीने पहले ही। एक्सेलेंट वॉटसन एक्सेलेंट। ओके और आप सर, आप तो फ्रीमेंसन भी है ना? हाँ, आपको कैसे? आपके रिंग से। अच्छा वो बात छोड़िए, अभी टॉपिक पे आते हैं, सॉरी माफ करना मैं काफी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। हाँ तो मेरा कॉबर्ट स्क्वायर के उधर एक पॉन ब्रोकर का शॉप है, थोड़ा सा छोटा ही है, बहुत सालों से खुला हुआ है, कह सकते हो इंग्लैंड में सबसे पुराना मेरा ही शॉप था पॉन ब्रोकर का, लेकिन समझ ही रहे हो दिन कैसे निकल जाता था मेरा उधर। पहले मेरे 2 सर्वेंट थे लेकिन अभी एक से ही काम चल जाता है, और ताज्जुब की बात तो ये है कि उसको मैंने कितने बार पगार के लिए पूछा लेकिन हर बार वो कहता था नहीं, आधा पगार से ही मेरा काम हो जाएगा। वो कहता है कि वो मेरे पास सिर्फ काम सीखने ही आया है। फिर क्या वही? सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस काइंड फेला? विल्सन, विल्सन्स पॉली। लेकिन उसको देखने से उसको छोकरा नहीं मान सकते हैं, उसको देखने के बाद में ना आप भी उसका सही एज नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके जैसे स्मार्ट बंदा पूरे इंग्लैंड में नहीं मिलेगा मुझको। लेकिन सच कह रहा हूँ, अगर वो थोड़ा और डेवलप कर लिया ना खुद को तो वो मुझसे ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन आप तो समझ ही सकते हो जब उसका ख्वाहिश है ही नहीं दूसरे काम करने के लिए, तो आप समझ रहे हो कैसे मैं छोड़ूँ। वो तो आपने सही कहे हो, ये पूरे मार्केट के अंदर ऐसे बंदे तो दिखने कम ही मिल रहे हैं। लेकिन एक बात कह दूँ, आपकी ये सर्वेंट मुझे हमेशा के लिए सीधा नहीं लगता। देखिए मिस्टर होम्स, ये गलत काम कुछ करता नहीं है, मतलब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। सही बोलूँ तो वो पूरे दिन सिर्फ पिक्चर्स खींचता रहता है मेरे कैमरे से, ही ओनली क्लिक्स पिक्चर्स एंड आई डोंट नो व्हाई, जब भी उसको टाइम मिलता है वो फोटो खींचता है और नीचे सेलर के अंदर एक यू नो ही इज जस्ट लाइक अ गुइनी पिग,
He gets inside and he thinks he's developing the pictures. I don't know why, but still, he got this bad habit all the way around. जहाँ इस उम्र में अपने जी जान लगा कर काम करे वहाँ नहीं, सिर्फ फोटो खींचेगा, सिर्फ फोटो खींचेगा, जब देखो फोटो फोटो फोटो। लेकिन ये छोड़कर और कोई तफलीक नहीं है मुझको। और अकेला यही है सर्वेंट आपके पास? नहीं, एक 14 साल की लड़की है, मेरे पूरे रूम को साफ सफाई करने के लिए रखा हो, जस्ट लाइक अ मेड, और प्लस वो खाना बनाना। मेरा जिंदगी इसमें ही गुजर जाता है। और बीवी कहूँ तो शी डाइड इयर्स अगो, बट स्टिल आई कांट गेट इन मैरिज अगेन। तो अब मुद्दे की बात में आते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आपके पास आया कहाँ से? ये ये एडवर्टाइजमेंट वो स्पॉली ने लाया था मेरे लिए, ये शायद से एक 8 हफ्ते पहले लाया था मेरे पास। इसी दिन काश आपके जैसा मेरा भी बाल होता। क्यों रे, मेरे जैसा बाल क्यों? अरे देखो ना, द रेड हेड लीक, इनको सिर्फ काम है लेकिन आदमी नहीं है, और इनको सिर्फ लाल बालों वाले आदमी ही चाहिए। ऊपर वाला क्यों मेरा बाल भी लाल करके नहीं भेजा? दो पैसा कमा लेता, मेरे इस बालों से कौन जलता था। क्या बोल रहे हो स्पॉली, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे बाप रे, आपने द रेड हेडेड लीक के बारे में नहीं सुना? नहीं, मेरे पूरे ज़िंदगी में नहीं सुना, बहुत अजीब है। आप खुद अप्लाई कर सकते हो, और आपको ही नहीं मालूम, साल का 200 पाउंड है, और वैसे भी काम इतना बड़ा भी कुछ है नहीं, जो आप कर रहे हो डेली वही आपको करना है। इधर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका को कॉपी करके दूसरे बुक में लिख के रखना है। अच्छा, कहाँ पे है, दिखाओ मुझको भी दिखाओ। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे नाम ठिकाना सब दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे मालूम है, ये एक मल्टी मिलेनियर एलेनिया हॉपकिंस ने एस्टैब्लिश किया था इसको, और पढ़ो ना साहब, मैं नहीं पढ़ सकता। द रेड हेयर लीक मस्ट बी प्रेजेंट। अरे बाप रे, इतना पैसा सिर्फ इतने काम के लिए ही? तो क्या झूठ बोल रहा हूँ सर, आपकी कसम, इसके बारे में अमेरिका में बहुत सुनाई दिया था। ये खुद तो रेड हेड है भी, और जो दूसरे रेड हेडेड गाय है उनके तरफ इनका अलग ही दिल था, और इन्होंने एक विल भी कर गए थे कि जैसे इनकी मौत हो जाएगी तो इनके सारे पैसे द रेड हेडेड लीक, मतलब जो रेड हेड लोग हैं, उनके पास चले जाएंगे जो काम करना चाहते हैं, और इसी तरह ये सारे जॉब सिर्फ द रेड हेडेड लोग को ही मिल सकते हैं। ये इसीलिए तो सोच रहा था साहब, क्यों मेरा बाल रेड नहीं हुआ। ओह माय गॉड, यू माइट बी किडिंग मी। और देख रहे हो सर, काम भी वैसा कुछ है भी नहीं, और पॉकेट भी पूरा भरा हुआ मिलेगा। लेकिन स्पॉल्डिंग, एक बात बताओ, वहाँ पे मेरे अलावा और भी तो रेड हेडेड लीग्स होंगे ना? नहीं साहब, आप जैसे सोच रहे हो ये वैसा है नहीं। देखिए एक बात कहता हूँ, ये जो हॉपकिंस सर है ना, ये अमेरिका में ज़रूर रहे होंगे, लेकिन ये इनका पहला जो स्टेप्स थे वो इंग्लैंड में ही शुरू किए थे इन्होंने, तो आप समझ ही सकते हो अपने पुराने देश के लिए तो ये कुछ कर भी सकते हैं ना। तो एक काम करते, चलो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तुम शॉप बंद कर दो, हम दोनों चलते हैं। लेके चलो, तो कहाँ पे है ये रेड हेड लीक का ऑफिस, मैं अभी जाके रजिस्टर करना चाहता हूँ। उधर पहुँच के क्या बताऊँ आपको सर, जहाँ देखूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड हेडेड गाइज ही है, और गर्दी के बारे में तो सर पूछो ही मत, जहाँ पर भी देखूँ वहाँ पर भीड़ ही मौजूद है, और मतलब कह सकते हो कि इतनी गर्दी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा था। यहाँ पे धक्का लग रहा है तो कभी वहाँ पे धक्का लग रहा है, कहाँ इसको लात गिल जा रही है, कहाँ ये लाइन से दौड़कर आगे जाने का कोशिश कर रहा है। उफ, वो क्या नज़ारा था,
जिसके भी हाथों में देखो तो यही एडवर्टाइजमेंट था। फ्रीड स्ट्रीट के अंदर घुसने के लिए किसके अंदर हिम्मत रहा होगा? अगर किसी ने ऊपर से देखा रहेगा तो लिख के देता हूँ सर, नीचे जैसे मछलियों भर भर के खाना देने वाले हैं और सब नीचे इंतजार में खड़े हुए हैं। लेकिन स्पॉल्डी, उसको कौन रोके? मैं तो वो गर्दी देखकर ही बोला, चलो स्पॉल्डी यहाँ पे बहुत गर्दी है, हम निकल जाते हैं, किसी और दिन आ जाएंगे। स्पॉल्डी को उस दिन कौन रोके? वो जैसे अपने जिद पे अड़ा हुआ था। तो वही था जो आखिरी वक्त तक सीढ़ियों से मुझको ऑफिस के अंदर ढकेल दिया। केस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद क्या बताओ सर आपको, अंदर घुस के मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं ऑफिस में, मतलब एक टेबल था और एक चेयर और दो तीन बक्से जिसमें पेपर्स रखे हुए थे, और उसके बाजू में एक आदमी बैठा हुआ था और देखा कि मैंने, उसका तो मेरे से ज़्यादा लाल बाल है। जो लोग भी रूम के अंदर आ रहे थे वो उनसे ही थोड़ा थोड़ा बात कर रहा था और मुझको बीच बीच में देख रहा था, इतना ही याद है। और क्या बताओ, फिर मैं देखा कि वो जो भी आ रहे थे उन सब के पेपर्स और फाइल के अंदर से गलतियां निकल रही थी, तो आपको मालूम है उससे क्या होगा, वो डिस्क्वालिफाइड थे। लेकिन जब मैं अंदर आया तो उन्होंने बहुत ही अजीब ही तरीके से सबको बोल दिया कि दरवाज़ा बंद कर दो। कुछ समझने के पहले ही स्पॉल्डी ने मेरा इंटरव्यू उनके सामने रख दिया और मेरे फाइल्स भी, और वो चिल्ला कर ही एक तरफ से मुझे कहे, अरे वाह, ऐसा कैंडिडेट कहाँ मिल सकता है? ऐसा ही तो बंदा चाहता था मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विल्सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको तो मालूम ही रहेगा इतने भीड़ के अंदर एक काम तो हमको करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाल क्यों खींच रहे इतने जोर से? असली है या नकली थोड़ा चेक करना तो पड़ेगा ना। यू हैव अ परफेक्ट फेस फॉर आवर वर्क मिस्टर विल्सन, और पहले भी हम बहुत बार ठग चुके हैं सर। यू नो वंस अ मैन केम वेयरिंग अ रेड विग, कुड यू इमेजिन, एंड देन अनदर मैन केम विद अ रेड पॉलिश्ड हेयर। Can you please stand still for a minute? I have a work to finish. Hey, open the door. Oh, huh. Suniye, huh? Aap sab suniye. Can I please get your attention, ladies and gentlemen? Yes, please. May I? Yeah. Okay. Hum jisko dhoond rahe the, wo hamein mil chuka hai. Better luck next time, sirs. So, you may leave now. Or, so, Mr. Wilson, are you ready to do this job? Bettina, Betty, huh? Yes, you may have the chair, please. Okay. Need anything? Thunder Gorham, coach? Nay? Okay, fine. So, Mr. Wilson, myself, Duncan Ross. Ab tak ke liye main yahi ka in charge hu. To, Mr. Wilson, I want to ask you a few questions for this job. As a C, क्या आपने शादी किए हो? नहीं, मेरा कोई बीवी है नहीं थी, लेकिन she died years ago. Oh my God. I'm a C, Mr. Wilson. We got a big problem here. एक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मतलब आप समझ सकते हो, द रेड हेडेड लीक हैज बीन मेड फॉर द जनरेशंस, आपके वंश के लिए बनाया जा रहा है ये रेड हेडेड लीक, सो ठीक है, समझ सकते हैं हम आपकी तकलीफ, और आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाउ कैन आई मिस दैट, यू हैव सच एन अमेजिंग क्रेडेंशियल्स, सच एन अमेजिंग रेड हेयर्स, दैट आई कांट स्टॉप मेकिंग compliments on these. Okay, leave it. आप कब से join कर सकते हो the Red Headed League के office में? लेकिन आपको एक बात बताना मैं भूल ही चुका था, मेरा खुद का एक business है। तो उसमें क्या problem है? You can do part-time jobs for this. अच्छा,
ओके मिस्टर रॉस, तो वर्किंग आवर्स कितने से कितने तक है? यू मे से मिस्टर विल्सन, इट्स फ्रॉम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, आप आ सकते हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊँगा। और काम क्या क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा बता सकते हो आप? हाँ मिस्टर विल्सन, आप इस बिल्डिंग को छोड़कर वर्किंग आवर्स में कहीं नहीं निकल सकते। मतलब अगर आप निकल आए तो आप अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, दिन में 4 घंटा एक ऑफिस में अंदर बैठे रहना, हो जाएगा मेरा काम। और कुछ? As you see, we have advertised just previously, आपको the Encyclopedia of Britannica को कॉपी करना है। पेन पेपर और ब्लॉटिंग पेपर्स आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे, हम सिर्फ चेयर एंड टेबल प्रोवाइड करेंगे। Are you interested? Yes. और एक बात, you have to manage this work every day. You have to sign this bond right here. As you see, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, so you have to stay inside the office. Now you understand? Yes, sir. एक बात कहता हूँ मिस्टर होम्स, जब मैं घर लौट रहा था तब थोड़े से चिंता में ही गिर गया था। बहुत देर तक सोया और सोच रहा था कि ये काम मैं कहाँ से कर आ रहा हूँ, क्या वो आदमी ठीक रहेगा मेरे लिए। यही सोचते सोचते रात को मैं सो भी गया और मालूम भी नहीं चला, जबकि स्पॉल्डिंग मुझे काफ़ी एंगेज ही कर रहा था। और उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट डे मैं गया ऑफिस में पेन पेपर इंक ब्लॉटिंग पेपर्स को लेकर, और जैसा उन्होंने कहे थे कि एक टेबल और एक चेयर रहेंगे, तो मेरे लिए एकदम खानदानी टेबल और चेयर सजा के रख दिए थे उधर। मैं काफ़ी खुश था। उस दिन मैं काम कर घर भी लौट आया, ऐसे ही मेरा दिन भी चल रहा था। और एक दिन आया, वो मैनेजर भी आकर मुझको 4 पाउंड दे कर गया। काफ़ी खुशी था मानो। और आज की बात है, सुबह गया ऑफिस में तो दरवाजे के सामने एक कार्डबोर्ड में ये लिखा था। कहाँ? दिखाओ मुझको प्लीज। ये The red-headed leak dissolved. अरे हंस रहे हो आप? अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो मुझको बोल ही देते थे। ये बेइज्जती करने का क्या मतलब होता है? अरे अरे अरे, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ये केस बहुत ही मिस्ट्रियस है, मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए आप। वो नोटिस देखने के बाद आपने क्या किए? मैं काफ़ी घबरा गया था। मैंने सब दुकानदार को पूछा था, सारे शॉपकीपर्स को, सारे ब्रोकर्स को पूछा, लेकिन किसी के पास सही इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। फिर मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, उससे पूछा कि ये रूम किसने भाड़ा लिया था। डंकिन रॉब्स का नाम लेने से उसने कहा कि ऐसे नाम का आदमी उसने आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। फिर मैंने उनको समझा कर कहा, एक लाल बालों वाले आदमी उधर बैठते थे उस ऑफिस के अंदर 4 नंबर रूम, तब जाके बोला अरे हाँ वो डंकिन रॉब्स कहाँ पर है, उसका नाम तो विलियम मॉरिस है और वो एक सॉलिसिटर है, और कुछ दिन के लिए ही उन्होंने उस घर को भाड़े में लिए थे और उनका घर के ठिकाना भी दिए, 17 King Edward Street, मतलब लगभग सेंट पॉल्स के उधर। और आप जाकर उधर क्या देखते हो? जाकर देखता हूँ कि वो एक आर्टिफिशियल की कैप बनाने वाला फैक्ट्री है, और उधर भी ना ही कोई डंकिन रॉब्स है ना ही कोई विलियम मॉरिस। स्ट्रेंज। उसके बाद सॉल्डी ने कहा कि हमें 2-3 दिन रुक जाना चाहिए, शायद से वो कोई चिट्ठी लिखकर हमको समझा दे, लेकिन मेरे पास बाबा उतना पेशेंस था नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया। और आप लोग अभी हंस रहे हो। लेकिन एक बात कह दूँ, इससे आपका कोई तफलीक तो नहीं हो रहा? आपके लिए तो कोई गलत काम उन्होंने छोड़कर भी नहीं गए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका उतने दिन तक कॉपी करने के लिए शायद से आपने ए सेक्शन पूरा लिख लिए होंगे, इससे तो आपका कुछ नॉलेज भी बढ़ा होगा ना? अरे रहने दीजिए नॉलेज, ये लोग कौन हैं, मुझसे ऐसा काम करवाया क्यों गया, और अगर ये मजाक था तो अब कहाँ हैं वो लोग, ये जानना तो पड़ेगा ही ना। और समझ लिया कि ये मजाक है,
तो ये लोग पागल हैं जो 3 पाउंड खर्च करके और 1 हफ्ते का पगार भी मुझको दे देंगे। ये थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं हो रहा? हाँ सच में। अच्छा ठीक है, वो बात आप छोड़ ही दीजिए, आप मेरे एक सिंपल बात का जवाब दीजिए। स्पॉली, ये जो आपके सर्वेंट है, वो एड दिखाने के पहले वो कितने दिन से आपके पास काम कर रहा है? महीना 2-3 हुआ रहेगा। और आपने उसको कैंप पे कैसे रखा? मैंने एक एड दिया था अखबार में, उसी से आया था। तो वो एड रिवेन्यू में और बहुत सारे एप्लीकेंट आए रहेंगे ना, लेकिन आपने उसको ही क्यों चूज किया? अरे बाप रे, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन जब वो मेरे पास आया था तब बहुत काम का लगा था, और ऊपर से कहता है कि मुझको पैसा पूरा नहीं चाहिए, आधे पैसे से ही काम हो जाएगा। मतलब आप समझ तो रहे हो ना, सोने पे सुहागा। तो आपका ये स्पॉल्डी दिखने में कैसा है? लंबा ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही मुँह है उसका, लेकिन समझ रहे हो, बहुत तगड़ा है। उसके पूरे शक्ल में एक दाढ़ी का तिनका तक नहीं है, और उसके सर में एक सफ़ेद स्क्रैच मार्क जैसे है। अच्छा 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 अच्छा, राइट, क्लिक हो गया मेरे दिमाग में। ठीक है, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, कुछ ऐसा ही सोच रहा था मैं। समझ रहे हो वाटसन, द केस इज नाउ इन माय हैंड्स। सिर्फ थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करके देख लेना पड़ेगा, फिर काम तमाम। चलो कम ऑन, शुरुआत कहाँ से करूँ? वाटसन वाटसन, तुम समझ नहीं रहे हो, काफी पास है उसके। मिस्टर विल्सन, एक और बात जाननी थी आपसे, क्या वो एक इयररिंग पहनता अपने कान में, द डेसिवियर इयररिंग, या फिर उसके कान में छेद है? क्योंकि एक एविडेंस हमको मिल चुका है सर। आई एम वेरी क्लोज टू इट। आपको कैसे पता चला? हाँ, जब तक याद आ रहा है, उसके कान में एक छेद है। उसने मुझे बताया था कि वो बचपन में किसी जिप्सी ने उसका कान छेद करके दिया था। हाँ सर, हिस्ट्री फर्स्ट में। अच्छा, तो अब वो क्या कर रहा होगा? मतलब काम के लिए तो अभी प्रेशर तो आ रहा ही होगा, और वो फोटोज नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो उसको देख कर आया था, और काम के लिए तो अभी सुबह कोई कुछ आने वाला तो है नहीं, सब हमारा काम शाम को ही होता है। वेल, ही इज कम्प्लीटली स्टेइंग एट माई हाउस, एंड द प्रॉन ब्रोकर शॉप इज नॉट गोइंग वेल, सो आई हैव केप्ट हिम देयर ओनली, आई केम अलोन, ही डिडंट नो अबाउट दैट। तो फिर मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त दीजिए, शायद से 2 दिन लग सकते हैं, आप जाइए, और kindly please don't tell anything smoothly, you know, आप अभी जाइए, बेफिक्र रहिए, वैसा इतना भी बड़ा कुछ केस नहीं है, be aware of everything else. Okay, Mr. Sherlock Holmes, मैं भी जाता हूँ, और आप भी डॉक्टर मिस्टर सर डॉक्टर, एनीवे सी यू लेटर मिस्टर व्हाट्सएप, सॉरी। अब सोचना है कि पकड़े कैसे। तो तुमने क्या तय कर रखा है शर्लॉक? मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक के लिए तो 50 मिनट्स के लिए मुझे छोड़ दो अकेले। एंड बाय द वे, वेयर इज माय पाइप? वेयर इज माय पाइप वाटसन? वेयर इज माय पाइप? हाँ, देयर इट इज। समझ में आ ही गया था मुझको कि अभी शर्लॉक्स को टालना बहुत ही मुश्किल है।
अभी के लिए एक घंटा भूल ही जाओ. जस्ट टू स्टे इन हिज ओन मैरिज. आई सी. अभी तो शर्लॉक, यू टेक रेस्ट. आई माइट गॉट अ वर्क फॉर मिनट. यू मे गो वॉटसन. लेकिन क्या करूं, शर्लॉक को जहां तक मैं पहचानता हूं, अकेला छोड़ना मुसीबत से कम नहीं है. सो आई स्टेड. मैं काफी देर तक उसके क्रॉच में बैठा रहा. मैंने देखा कि वो अपने दोनों पैरों को ऊपर रख के सो रहा है. आई थॉट ही स्लेप्ट. काफी देर तक ऐसे रहने के बाद जब मैं उठने ही वाला हूं, अचानक शर्लॉक उठ के मुझसे कहता है, वॉटसन, वेर आर यू गोइंग बरी? सेंट जेम्स के हॉल में आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, तुम जाने के लिए तैयार हो? आज शाम को मेरा कोई बड़ा अपॉइंटमेंट तो है नहीं. एक्सलेंट. तो फिर देर किस बात की? हैट पहनो और चलो मेरे साथ. भूख लगेगी तो रास्ते में ही कुछ खा लेंगे. ओके. और हॉल का मेन्यू कार्ड देख रहा था मैं. देखो, जर्मन म्यूजिक, माय फेवरेट. और तुम भी ये जानते हो वॉटसन कि फ्रेंच और इटालियन म्यूजिक से जर्मन काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है. मेरे हिसाब से यही एक बात कहता हूँ वॉटसन, जर्मन म्यूजिक तुमको इमेजिनेशन करने के लिए मजबूर करता है. इट इंटरसेप्ट्स योर हार्ट वेरी वेल, यू नो इट वेल. एम आई राइट डॉक्टर जॉन वॉटसन? उसके बाद और क्या, हम ट्यूब में चढ़कर ऑल्टर गेट तक आए और उसके बाद मिस्टर विल्सन के घर जहां पे कोबल स्क्वायर है वहां जाकर मौजूद हुए. लेकिन सच कहता हूं, ये जगह थोड़ा स्लम एरिया जैसा था. बहुत से घर जैसे एक दूसरे के ऊपर ही बनाए गए. एंड आई डिडंट लाइक दैट, बट स्टिल आई हैव टू वर्क विद शर्लॉक होम्स एंड यू नो अबाउट दैट. थोड़े ही दूर जाकर देखा, एक घर के बाजू में लिखा है जाबस विल्सन. देखा शर्लॉक उधर खड़े होकर पूरा टेक्स्ट रीड करके मेमोराइज कर रहा था. उसके बाद हम दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का रोड हमने अच्छे से याद कर लिए, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आए तो शायद से काम लग सकता है, या फिर चलकर भी आ सकते हैं क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं. आजू बाजू में देखा तो सारे रूम्स के अंदर के लाइट डिम हो चुके थे. इधर एक बात कह देता हूँ, शर्लॉक इतने देर से रास्ते में बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे अपने ही लाठी से जमीन को बार बार मार रहा था, जैसे उसको कुछ अंदर मिल रहा है. फिर भी जब सब हो गया तब हम विल्सन के घर गए. जब हमने दरवाजा टोका तो उसका सर्वेंट निकला, मतलब स्पॉट. तब शर्लॉक ने पूछा, एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? यहाँ से स्ट्रैंड जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? थर्ड राइट, उसके बाद फोर्थ लेफ्ट. ये कह के उसने दरवाजा बंद कर लिया. शर्लॉक चलते चलते मुझे कहा, स्मार्ट फेलो, या तो फिर कह सकते हैं कि इस पूरे लंदन में सबसे स्मार्टेस्ट का यही है. और अगर स्मार्टनेस में इनका रैंक आया तो मैं दूंगा थर्ड. लेकिन फिर भी वॉटसन, ये जैसा पहचाना हुआ सा लग रहा है, कहीं देखा हुआ है इसको. अच्छा, तो ये इंसिडेंट के साथ इनका कोई भी रिलेशन है शर्लॉक? मतलब उसको परखने के लिए ही तुमने उससे सवाल किए हो, राइट? उसको नहीं. तो फिर किसको शर्लॉक? आई आस्क्ड हिज फुट. क्या, उसके पैर में क्या मिला? जो मिलना था वही. तो फिर तुमने अपने वॉकिंग स्टिक को बार बार जमीन के ऊपर क्यों परख रहे थे? जैसे तुमने कहा, परखने के लिए क्या कुछ बाकी रहता है? मैं और होम्स स्लम से निकलकर आगे स्ट्रीट की तरफ गए. जाकर मैं थोड़ा सा अजीब ही हो गया था. होम्स ने पूछा कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तो मैंने बोला कि अभी हम जहाँ पर आए हैं वहाँ का सराउंडिंग देखो होम्स, ये कितना सुंदर है. हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यू कांट एक्सप्लेन राइट नाउ. व्हाट वाज दैट?
That slow. I hate it. Well, Watson, हमको शायद से अभी घर ही जाना चाहिए. You need a change. आगे देखो Watson, उधर एक सिटी बैंक है, एक न्यूज़पेपर शॉप है, एक नॉर्मल बुक्स डेपो है. चलो इसी से काम हो जाएगा. अब घर चलते हैं और जस्ट वॉयलिन नो मेलोडी स्वीट वाओ आई मिस्ड इट, जहाँ पे कोई लाल बालों वाला इंसान नहीं होगा, ना कोई घटिया इंजाम देने के लिए एक जेल कैदी. आई मिस दैट लाइफ अ लॉट वॉटसन. और रानी चलो 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 घर लौट के होम्स अपने वॉयलिन के साथ सो गया. वो और उसकी उंगलियां जैसे वॉयलिन के साथ नाच रहे थे, ना कोई रोकने के लिए, ना कोई टोकने के लिए, सिर्फ वो और उसका वॉयलिन. तुम शायद से घर लौटने के लिए तैयार हो रहे हो डॉक्टर. हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा. लेकिन आपकी जरूरत है इधर डॉक्टर. आज कोब स्क्वायर में एक छोटा गुनाह होने वाला है, आपको हमारे साथ ही रहना होगा. तो कब तक आना होगा मुझको? 10 बजे. ओके ओके, सो आज 10 बजे पेकर स्ट्रीट. I'll be right there. और हाँ वॉटसन, उधर शायद से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो प्लीज कैरी योर रिवॉल्वर. गुड बाय. पता नहीं क्यों लेकिन यह हर बार ही होता है. शर्लॉक जैसे ही मेरे पास से चला जाता है तो लगता है जैसे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं. बट स्टिल मुझे क्यों नहीं लग रहा था कि मैं बहुत अकेला हूं. उसके बाद सोच भी रहा था, क्या उसका सर्वेंट कोई बड़ा मास्टरमाइंड है? इज ही अ इविल पर्सन विद अ बैड इंटेंशन टू हर्ट? ये तो आज रात ही पता चलेगा. सो तब तक शर्लॉक तो मुझको सीक्रेसी के अंदर ही रखने वाला है. उसके बाद जब मैं तैयार होके होम्स के घर जाने वाला था बेकर स्ट्रीट, दरवाजे से निकल कर देखता हूँ कि 2 गाड़ी ऑलरेडी उधर मौजूद है. मैंने उनमें से एक पकड़ा और पहुंच गया तो बेकर स्ट्रीट. अंदर घुसने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगी. शायद से कितने होंगे, 4-5, और उनकी बातचीत जैसे थोड़ी सख्ती से ही चल रही थी. जब मैं पहुंचा तो अंदर घुस के देखा, वहां 2 लोग और भी मौजूद थे. उनमें से एक था पीटर जोन्स, ही इज इन पुलिस एंड आई न्यू हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम. लेकिन दूसरे को मैंने पहचाना ही नहीं. पतले थे, बड़े थे, इंक्लूडिंग ही इज सैड, बहुत ही दुखी थे. आ वॉटसन आगे तुम, चलो चलो चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. तो टीम में सब मौजूद हो चुके हैं. वॉटसन तुम तो इनको पहचानते ही हो, स्कॉटलैंड यार्ड के पीटर जोन्स इज इन पुलिस एंड दिस इज मिस्टर मेरीवेदर. आज रात ये हमारे साथ ही रहेंगे और आप शायद से इनको पहचानते हो? नहीं. ओके. अचानक से पीटर जोन्स बोल उठा, कैसे हो मिस्टर वॉटसन? आपको तो मालूम ही होगा हम लोग कितने बिजी रहते हैं. कितनी खुशी की बात है हम तुम और होम्स वापस एक साथ लौट रहे हैं. इट्स अ वेल डेडिकेटेड वर्ड्स फॉर मी. नाउ Let's talk about the missions. हमारे शर्लॉक होम्स भी एक तरफ है, कोई मिला तो बस पकड़ने में दौड़ जाएंगे. वो तो 100% है पीटर जोन्स. आपके तो मालूम ही है मैं और शर्लॉक कितने सारे मिशंस देखे. मिस्टर मेरीवेदर शर्माएंगे नहीं, लेकिन मैं और होम्स ऐसे ही रहते हैं. होम्स का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है डिटेक्टिविज्म में. इन द फ्यूचर He is also known as the father of deduction. जानते हो होम्स, after 27 years, 27 सालों के बाद मैं पहली भी पोकर खेलने के लिए क्लब में मौजूद नहीं रहूंगा. लेकिन ये केस आपके पोकर से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है वॉटसन. पीटर,
लगता है आज तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त वापस मिलने वाला है। जॉन क्ले, पुराना दोस्त? खूनी है, डकैत है, he's a big liar, he's a cheater, you know it? इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। उसका बाप भी बहुत बड़ा चीटर था, including him। और ऊपर से वो ग्रैमब्रिज रिटर्न है। दिमाग जैसे ही स्पीड से काम कर रहा है, तो आज देखूंगा मैं मोड़ के उधर जाकर, या तो फिर जुआ खेल रहा है, he's gambling, वरना कहीं और देश जाके देखूंगा कि वहां अनाथ आश्रम के लिए पैसा दे रहा है। साला सच में एक बड़ा शैतान है, he's a bloody satan। टाइम हो जा रहा है, लग रहा है हमको भी निकलना चाहिए। ओके, सो मिस्टर मेरवेदर और पीटर, आप दोनों सबसे पहले गाड़ी से जाएंगे और हम लोग उसके बाद विल मीट इन द स्ट्रीट्स। ओके, और ज्यादा देर नहीं करना है, चलो 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 चलो, अब भी निकलना पड़ेगा। जाते जाते शर्लॉक ने एक बात तक नहीं कही, ना ही एक लफ्ज, सिर्फ गाना गाता गया। हम एक वक्त फ्रेडिंगटन स्ट्रीट में आके रुके। उतरने के बाद शर्लॉक ने कहा, वॉटसन चलो तुमको इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। पीटर जोन्स, तुमको मालूम ही है, वो काम के लिए एक बड़ा गधा है, लेकिन एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। उसके बाद मेरी बेटा, ये कोई नहीं, सिर्फ एक बैंक के डायरेक्टर है, बस इस केस में इंटरेस्टेड थे, सो आई आस्क हिम टू कम विद अस। राघवम एक साथ है, तुम्हें बता देना पड़ेगा आज क्या होने वाला है। ना ना ना, लेट्स कीप इट अ सस्पेंस। हम दोनों चलते चलते एक सबवे में गए। शर्लॉक एक साइडवे का दरवाजा खोल दिया। हम लोग अंदर जा रहे थे, जब अंदर भी एक और कॉरिडोर मिला। खोलने के बाद उसका एंड जाके खड़ा था एक बहुत ही बड़ा मेटल गेट के सामने। वो गेट भी हमने खोल दिया। अंदर घुसने से बहुत सारे कॉरिडोर्स मिले, जिनमें से हम सब ने मिलकर एक मोमबत्ती जलाई। After lighting up that candle, हमने देखा तीन दरवाजे और थे। शर्लॉक ने जाके तीसरा दरवाजा खोल दिया, फिर लाइट को लेकर ऊपर देख के कहा, नहीं इधर ज्यादा मुसीबत तो होने वाला नहीं है, तो we are staying here guys, we are staying here, wait for my call, मेरे इशारे के लिए वेट करना, और भूलना मत, हम जिसको पकड़ रहे हैं वो हाथ से निकल भी जा सकता है। पीटर, तुम्हें मालूम है क्या करना है? मालूम है शर्लॉक, ये पैर देख रहे हो मेरे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये कहकर जैसे ही पीटर ने अपने दोनों पैरों को जमीन के ऊपर पटका, बहुत ही जोरों की आवाजें आने लग गई, और पीटर ने कहा चिल्ला के, ओह माय गॉड, ये तो अंदर से खोखला है। It means there is a door inside that. Sherlock बहुत ही गुस्से से कहा, You know it, so keep quiet. चुप बैठो, तुम्हारे वजह से कहीं मेरा ये प्लान बिखर ना जाए। Peter, you keep quiet and stand right there. Just follow my instruction as I'm saying. अचानक इतनी बड़ी धमकी से मेरीवेदर जैसे थोड़े घबरा ही गए थे। वो थोड़े से दुखी दुखी मुंह लेकर ही बक्से के पीछे छुप गए। हम सब वेट कर रहे थे कि शर्लॉक ने कहा, धीरे से, तुम सबको एक बात बता दो, जो लोग इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे वॉटसन तुम, मेरीवेदर आप समझा सकते हो, राइट? सो प्लीज इंट्रोड्यूस द केस। हाँ हाँ हाँ, हमने पिछले साल बैंक ऑफ फ्रांस से उधार भी लिए थे, सब टोटल ऑफ 30,000 नेपोलियंस, और ये बात बहुत लोगों को पता चल गया था, सो वी ट्राई टू कीप इट ए सीक्रेट, बट इट स्पेल्ड आउट, और अब आप समझ ही सकते हो कि कितने लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। होम्स ने मुझको बताया कि मेरा बैंक खतरे में है, hence I am here to catch
catch him. Peter, ये रास्ता कहाँ से निकलता है तुम्हें मालूम है? Kubrick Square ना. Yes. Are we ready? तुमने अपने आदमी उधर सेट करवा दिया ना? Yes. I am ready. मुझे डर सा लग गया था क्योंकि Sherlock एक्साइटमेंट में ही कांप उठा था. हम शायद से 10-15 मिनट और वेट किए, फिर 15 मिनट हो गया आधा घंटा, लेकिन किसी को हमने देखे ही नहीं. That's why Sherlock थोड़ा सा अपसेट ही था. किसको मालूम कि अगले 5 मिनट में जो होने वाला है वो हम सब याद रखेंगे अंत तक. जब हम सब पागलों जैसे इंतजार करके थक चुके थे, तब अचानक से सबने देखा कि जमीन के नीचे जो एक छोटा सा एंट्रेंस डोर था, उधर से लाइट आ रही थी. होम्स ने कहा, Here they comes. Prepare, Peter. Be ready, Watson. मैंने देखा कि उस दरवाजे से धीरे धीरे लाइट आ रहा था, जैसे वो और भी बड़ा हो रहा है. कि अचानक से अंदर से हम सबको चकमा देकर एक हाथ निकल आया. हम डर गए, फिर देखा कि उस हाथ से एक आदमी निकल रहा है. हमने देखा कि एक आदमी निकल आया जिसका बाल बहुत ही लाल था. I was imagining how could this be? मगर वो टाइम सोचने का था ही नहीं. जी, हम सब रेडी हैं. हमको अभी काम करना पड़ेगा. I don't see anyone here. We are ready to go. So ready. और फायदा नहीं है जॉन क्ले, तुम्हारा खेल इधर ही खत्म. बोलने से अच्छा होता, लेकिन आई डू प्ले विद द रूल्स, यू नो. पीटर, तुम्हें मालूम है अभी क्या करना है. अरेस्ट हिम. मालूम है, वो तो है. ऑफिसर, दिख रहा है कि आप मुझको अरेस्ट करने के लिए फुल रेडी हो. वो तो है, और बाहर तीन लोग तुम्हारे इंतजार भी कर रहे होंगे. बाप रे बाप, मतलब आप पूरे रेडी होकर आए हो. बहुत अच्छा, ले चलो मुझको. कहाँ फांसी हो जाएगी गेम ओवर. मैं आपके हाथों रखने वाला हूँ नहीं. यू फेल टू Sherlock Holmes. अब तुम्हारे दोस्त के पास लेके चलो. We have to move on. ऐसे नहीं ऑफिसर, ऐसे नहीं. Pay me respect. आप जानते हो, my father was a duke, वो राजा थे. So मुझको address करके बुलाने के पहले sir और please जरूर use करना. So your highness, क्या तुम अब हमारे साथ police custody चलोगे? 'Cause we have a lot of work to do. That was a lot better. That was a lot better. Mr. Holmes, आपने जिस तरीके से मेरा हेल्प किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपका फीस कितना है बताइए मुझको. I have to pay it right now. और कुछ नहीं, आप वो कैरेज बिल थोड़ा दे दीजिए तो बस होगा मेरा काम. गैरेज चुकाने के बाद होम जब मुझसे मिलने आया, I asked him, How was that case, Holmes? Did you like it? तुम्हें पसंद आया? Brilliant, Watson, brilliant. ऐसा आदमी पूरे लंदन में दिखने बहुत ही कम मिलते हैं. समझ में आ ही रहा होगा तुमको कि जब विल्सन घर पे काम करता था, तब ये सेलर के अंदर घुसकर खुदाई करता था. और जब देखा कि टाइम हमारे पास कम है, तब इसको भेज दिया द रेड हेडेड लीग के ऑफिस में काम करने के लिए. ये खुद रेड हेडेड था.
That's why अब समझ में आ रहा है डंकिन रॉस कौन है। He changed, उसने अपना आवाज बदल दिया और डंकिन रॉस बन के उसके दोस्त का साथ दिया। He was a complete thug. Okay, Watson, तो अब क्या करे बिगड़ जाए, हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं और बहुत जोरों की भूख लगी है। पूरा केस तुमको एक्सप्लेन करके कल सुबह तक बता दूंगा। चलो चलो चलो, I have to wait. ये केस को होने के बाद शायद से ही कुछ घंटे हुए रहेंगे, ठीक से सूरज भी नहीं निकला। मैं और होम्स एक बार के अंदर बैठकर दोनों ने एक एक ग्लास विस्की लेकर बैठे थे, जहां पर शर्लॉक थे हमारे प्राइम स्पीकर और मैं था उसका ऑडियंस। वो कहा, देखो वॉटसन, ये केस पानी की तरह इजी है। वो जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था, एनसाइक्लोपीडिया कॉपी करने के लिए आदमी चाहिए, he must be red-headed. ये तो शुरुआत भी नहीं है। असली गेम तो स्टार्ट हुआ था उससे बहुत पहले, जब हमारे क्राइम मास्टरमाइंड दूर से हमारे प्राइम विक्टिम को देखे, विल्सन, जिनका बाल लाल था। उसी ने डिसाइड किया कि इसको घर से दूर रखने के लिए ये काम परफेक्ट होगा, जिससे उसका और बैंक के नजदीकी इलाके में जो बड़ा सा सबवे है वहां पे वो खुदाई चालू कर सकते हैं। तो he started his work, he sent him here to office. उसने उसको ऑफिस भेज दिया, वो डेली काम करता था। एक हफ्ते के अंदर जब काम हो गया, तब इन्होंने द रेड हेडेड लीग को डिसॉल्व कर दिया। 4 pounds 30,000 नेपोलियन के सामने क्या है, तो इन्होंने वो भी दे दिया। अब तुम समझ ही रहे होगे वॉटसन, इन्होंने कैसे क्या काम किया था। और तुम उस दिन पूछ रहे थे ना मुझसे कि ये सेलर के अंदर घुसकर क्या करता है। मैं उस दिन रास्ते में वही सोच रहा था और उसीलिए मेरा वॉकिंग स्टिक को बार बार जमीन के ऊपर पटक रहा था, जिससे देखा कि ओ बाप रे, ये बाबा जी सिर्फ घर में सेलर के अंदर नहीं, जमीन के नीचे से जा रहे हैं। जब उस पाथ को हमने फॉलो किया तो हमने क्या देखा, वेट, द सिटी सेंटर बैंक, वो बैंक में जा रहे थे। यस, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव वही था। और उसके बाद का तुम्हें मालूम है, ये केस इतना इजी था। लेकिन उस दिन तुमने उसका पैर क्यों देखा? इसलिए देखा क्योंकि वो उतने देर तक जमीन के नीचे काम कर रहा है, तो उसका ट्राउजर्स भी बहुत फट चुके थे, साथ ही में बहुत ही मिट्टी लगे हुए थे। और तब मेरा शक पूरा हो गया था, क्योंकि ना वो उसने मुझको देखा है ना मैंने उसको। लेकिन हमारे टक्कर वॉटसन बहुत पहले से चालू था। ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पे वो था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, कोई और गया। आज वो मेरे पकड़ में आ ही गया है। लेकिन होम्स, तुमने ये कैसे समझे कि वो सैटरडे को ही काम करने वाले हैं? देखो, इट्स ऑल बिगिंस विद योर प्रेडिक्शन। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर काम इनका हो गया रहेगा, उसी के वजह से ही ये लोग इनको छुट्टी दे दिए थे नौकरी से। और उसके बाद का रीजन हो रहा है कि अगर आज किए तो कल का पूरा दिन रहेगा संडे, और बैंक भी नहीं खुलेगा, उसीलिए ज्यादा हल्ला होने वाला है नहीं। सो दे कुड फ्ली टू एनी अदर कंट्री। सोचा आज रात को ही पकड़ते हैं, एंड माय प्रेडिक्शन केम ट्रू, एज यू कैन सी। वाह होम्स, तुमने तो बहुत इजीली इसे सॉल्व कर दिया। हाँ वॉटसन, ये केस इतना ही इजी था, तुम भी कर सकते थे अगर ट्राई दिए तो। बाय द वे, थैंक यू जॉन क्ले, आई लव यू मैन, तुमने होते तो आज का सुबह इतना मीठा नहीं लगता। अजीब लगता होगा जब हमारे उम्मीद मूवीज या फिर टीवी शो से मिलते नहीं हैं। अजीब लगता होगा तब जब हमने सोचे हुए सुंदर डरावने कैसे भी हो ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या होता होगा जब हमारे सबसे चाहिता, हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं,
वो फेल हो जाए बुरा लगता होगा। एक जमाना था जब मेरे दादाजी या फिर आपके दादाजी किताबें पढ़ते होंगे। आप उनसे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते कि वो इतने किताबें पढ़ते क्यों थे। अगर आप खुद इतने किताब पढ़ते हो तो आपको जरूर मालूम रहेगा कि एक किताब ही ऐसी चीज है जो आपके सोच से आपको चांद या फिर पाताल या फिर स्वर्ग या फिर जहां आप जाना चाहो वहां भेज दे। यही तो खूबसूरती है स्टोरीज के, यही तो खूबसूरती है कहानियों के। क्यों सब लोग कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन उसको एक्सपीरियंस करने में। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि वो खुद जिस चीज से सोचते हैं वो इमेजिन करते हैं उस चीज को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे कहानी आपसे आपकी उम्मीदों से मीट करें। आप मूवीज तो काफी देखे रहेंगे और उसके बाद आप क्रिटिक भी दे देते हो इतने आसानी से कि मूवी के सीन अच्छे नहीं थे, VFX अच्छे नहीं थे, एडिटिंग अच्छे नहीं थे या फिर एक्टर्स अच्छे नहीं थे, वरना इसका वॉइस अच्छा नहीं है, वरना प्लॉट अच्छा था लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है सही। और यहाँ पे ही नॉस्टैल्जिक स्टोरीज लेकर आता है आपके लिए एक ऐसी एक्सपीरियंस जहाँ पे आप आंखें बंद करो तो जो किताब में लिखे हुए हैं वो आपको खुद नहीं पढ़ना पड़े, कोई और आपके लिए पढ़ दे वो कहानी जिसको आप अपने दिमाग में बना सकते हो, देख सकते हो वो दुनिया जो सच हो भी नहीं सकती, वो दुनिया को आप महसूस कर सकते हो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, छोटे से छोटे आवाज भी आपको महसूस कर दे हर एक पल के हर एक वक्त उस दुनिया के लिए, वो पैरेलल यूनिवर्स के लिए जो आपके दिमाग में घूम रहा हो, जो आपके ख्वाबों में हो, जो आपके दिल में हो। अब तक आप सुन रहे थे द रेड हेड लीग फ्रॉम सर आर्थर कॉनन डॉयल फ्रॉम द शर्लॉक होम्स सीरीज। उम्मीद है कि आपको सब ये कहानी पसंद आई रहेगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।